नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में जाने के बाद अपने घर में ताकत बढ़ी या घटी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इस जीत का कारण था तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर। इस जीत का इंतजार कांग्रेस 2003 से कर रही थी। जीत का सहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा। उनके समर्थक काफी उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद थी कि सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे ऊंचा आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में मिली बंपर जीत के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो अनुभवी चेहरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं चली। उन्हें लगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर राज्यसभा में भेजने की बात आई तो राजनीति में उनसे सीनियर दिग्विजय सिंह ने बाजी मार ली। बस इसी के बाद से संकेत मिलने लगे कि सिंधिया अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दशकों से कांग्रेस की राजनीति सिंधिया राजघराने के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यही कांग्रेस की राजनीति का केंद्र रहा। संभाग के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद भार्गव बताते हैं कि सांसद का टिकट हो या पार्षद का, सभी उम्मीदवारों की लिस्ट सिंधिया के महल से ही जारी होती थी। लेकिन 2019 में सिंधिया गुना लोकसभा सीट से अपने ही एक पूर्व सहयोगी केपी यादव से चुनाव हार गए। यादव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। इसके बाद जो हुआ वो कई दशकों तक नहीं हुआ था। सिंधिया परिवार का कांग्रेस से रिश्ता खत्म हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे प्रदेश की 15 माह पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। सिंधिया समर्थक विधायकों ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे उपचुनाव लड़कर जीते और मंत्री बने। सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उनके जाते ही ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस संगठन का सफाया हो गया। बीजेपी पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जिस सिंधिया घराने के खिलाफ वो राजनीतिक मोर्चाबंदी करती रही, वहीं अब वो उसका हिस्सा बन चुके थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक रहिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।